चीनी सेना ने एक बार फिर से युद्ध अभ्यास के नाम पर ताइवान की सीमा को चारों तरफ से घेर लिया है और चेतावनी जारी की है कि जो भी ताइवान के साथ खड़ा रहेगा उसका सर फोड़ दिया जाएगा, साथ ही खून की नदियां भी बहेंगी। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन दोनों देशों के बीच बहुत ही जल्द युद्ध हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ स्वर्णिमा और आप देख रहे हैं शब्द सांची। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट की। चाइना ताइवान विवाद की बात जब जब सामने आती है तब तब सबसे पहले साल 2022 याद आता है, जब यूएस स्पीकर नैंसी पेलोसी चीन के मना करने के बाद भी गुपचुप तरीके से ताइवान दौरे पर पहुंची थी और इसका खामियाजा ताइवान को चीनी सेना के आक्रमणों को सहकर भुगतना पड़ा था। पर इस एकाधिपत्य की लड़ाई की जड़ें साल 2022 से भी काफ़ी पुरानी हैं, लगभग 400 साल पुरानी, जब ताइवान एक डच कॉलोनी के रूप में उभर रहा था और चीन के फ्यूरिन प्रोविंस के निवासी, जिन्हें होक्लो चाइनीज के नाम से जाना जाता था, ताइवान की ओर माइग्रेट करने लगे थे। ये घटना साल 1683 से 1895 के दौरान की है, जब ताइवान में चीन की किंग डायनेस्टी का राज हुआ करता था। ये पहली बार था जब चीन से निकल कर लोग इस छोटे से आइलैंड पर पहुँच रहे थे। समय के साथ इस टापू और टापू के लोगों का विकास होता गया, लिहाजन सबकी नज़रें इस टापू की ओर आकर्षित हुई। इस दौरान सन 1895 में फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर हुआ, जिसमें चीन की ये टेरिटरी जापान के हाथ लग गई और अब इस पर सिर्फ और सिर्फ एकाधिपत्य जापान का था। लेकिन जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब फिर से इस आइलैंड को यूएसए और यूके की सहमति से चीन के साथ ही एकीकृत कर दिया गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उस वक्त इस एकीकरण की प्रक्रिया में यूएसए की भी सहमति थी, जो आज कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष रूप से ताइवान के साथ खड़ा नजर आता है। बहरहाल चीन और ताइवान में हमेशा से ही खींचातनी का माहौल रहा, जो चीन के आंतरिक कलहों से भी खूब प्रभावित हुआ। लिहाजन 1947 में ताइवान के लोगों द्वारा चीनी सरकार का विरोध करने पर सेना के द्वारा एक खूंखार जनसंहार को अंजाम दिया गया। इस जनसंहार में करीब 18,000 से 28,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस जनसंहार के बाद अगले दो सालों में चीन में एक बहुत बड़ा सिविल वॉर होता है, जिसमें एक तरफ माओ ज़ेडोंग की कम्युनिस्ट आर्मी होती है, वहीं दूसरी तरफ चीन में राज कर रही चियांग काई शेक के पार्टी KMT। असल में इस सिविल वॉर में माओ ज़ेडोंग जीत जाते हैं, जिससे चीन में पूरी तरह से कम्युनिज्म और तानाशाही हावी हो जाती है। वहीं माओ से हारने के बाद KMT के लगभग 15 लाख सपोर्टर ताइवान चले जाते हैं और वहां अपनी सरकार बनाते हैं। इस सिविल वॉर का असर ना सिर्फ चीन की आंतरिक राजनीति के फेरबदल का कारण बनता है, बल्कि यहीं से ताइवान की आंखों में सजता है एक आज़ाद देश का ख्वाब। अब वो कैसे, आइए आगे के घटनाक्रम से जानते हैं। 1949 में ताइवान आने के बाद KMT यहाँ की राजनीति में लगातार 25 साल तक अपनी सक्रिय भूमिका निभाती है। इस समय तक पूरी दुनिया कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और तमाम तरह के विचारधाराओं में बढ़ चुकी रहती है। दुनिया एक तरफ जहाँ शीत युद्ध से जूझ रही होती है, वहीं दूसरी ओर इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी दोहरी नीति के साथ चीन और ताइवान के बीच दाखिल होता है अमेरिका। हमने शब्द दोहरी नीति का इस्तेमाल किया है, हम इसका प्रमाण भी देंगे, आप आगे के घटनाक्रम के साथ चलते जाइए। चीन पर माओ का कब्जा होने के बाद कैपिटलिस्ट विचारधारा पर चलने वाले अमेरिका का हाव भाव अब चीन को लेकर बदलने लगा था। जिस अमेरिका ने सन 1945 में चीन और ताइवान मामले में चीन के पक्ष में हामी भरी थी, अब वही अमेरिका माओ के चीन को चीन मानने से इनकार करने लगा। साथ ही यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट चीन के नाम से हुआ करती थी उस पर भी अब ताइवान की सरकार बैठने लगी थी। चीन के साथ अमेरिका के इस व्यवहार का एकमात्र कारण कम्युनिज्म को पोषण करना और रूस के साथ अच्छे संबंधों का होना था। लेकिन बाद में जब अन्य देशों द्वारा अमेरिका के इस कदम का विरोध किया गया तो अमेरिका ने फिर अपने सिक्योरिटी काउंसिल में माओ के चीन को शामिल कर लिया। माओ के मरने के बाद चीन में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और वहाँ का बाजार जब पूरे देश के लिए खोल दिया गया तब अमेरिका ने फिर से चीन के साथ एक डिप्लोमेटिक संधि की। इसके बाद अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया कि वो ताइवान को आज़ाद देश तो नहीं मानते, लेकिन चीन अगर उन पर हमला करता है तो वो ताइवान का ही साथ देंगे।
ऐसे में ताइवान और चीन का रिश्ता आंतरिक कलह और अमेरिका की दोहरी नीतियों के बीच उलझकर रह गया है। आज के समय में एक तरफ ताइवान खुद को एक आज़ाद देश मानता है तो वहीं चीन इसे अपना खुद का हिस्सा बताता है। पर सवाल ये बनता है कि यहाँ के लोग खुद को क्या मानते हैं। एक आंकड़े के अनुसार यहाँ के 64% निवासियों का मानना है कि वो आज़ाद ताइवान का हिस्सा है। 30% लोगों का मानना है कि वो चीनी और ताइवानी दोनों हैं तो वहीं 2% लोगों का मानना है कि वो चीनी हैं। वहीं बात ताइवान की राजनीतिक पार्टियों की करें तो KMT आज भी चाहती है कि वो चीन के साथ शांति समझौता कर एकीकृत हो जाए। वहाँ की वर्तमान सरकार डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी का कहना है कि ताइवान एक आज़ाद देश है और किसी भी सौदे पर चीन में इसका विलय नहीं हो सकता। दूसरी ओर वैश्विक पटल पर बात करें तो दुनिया के सभी देशों में से मात्र 14 देश ही ताइवान को एक आज़ाद देश के रूप में मानते हैं। ऐसे में आने वाले समय में ये लड़ाई क्या मोड़ लेती है और चीन की ये विस्तारवादी सोच कहाँ तक जाती है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे लिए ये रिपोर्ट लिखी थी आदर्श चौबे ने। इसी तरह के और भी कंटेंट के लिए बने रहिए शब्द सांची के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।